प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। उसके लिए देखिए, मैंने इसमें सूखे और रसेदार दोनों तरह के कोफ्तों को बनाकर इसमें ही दिखाया है मैंने लौकी के कोफ्ते। ये देखिए रसेदार है, और अभी हमने दिखाए थे सूखे वाले कोफ्ते। इसके लिए मैंने एक लौकी ली है बड़ी सी, और कुछ छील कर धोकर अच्छे से काट के इस तरीके से बड़े पीस रख लिया है। इसको हम कद्दूकस में अभी ग्रेट करेंगे। ये देखिए, ये कस के मैंने रख ली है लौकी, और इसको निचोड़ भी लिया था अच्छे से। अब इसके लिए हमने 7 गांठें प्याज की और 1 गांठ बड़ी लहसुन की ली है, और ये 2-3 इंच का ये टुकड़ा है अदरक का, ये हमने इसमें डालने के लिए लिया है। इन सबको छील कर धो के ये देखिए काट लिया हमने, और इसको अब मिक्सी जार में हम पीसने के लिए डाल देंगे। इसका हम मसाला तैयार करेंगे पीस कर, प्याज लहसुन अदरक का। देखिए अब इसको हमने पीस लिया है, इसका मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है, पिस गया है हमारा। अब लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमने ये 1 कप बेसन लिया है, मेजरिंग 1 कप। देखिए ये 1 कप भर के, पूरा भर के मैंने बेसन ले लिया है, और इसमें हमने 1.5 चम्मच ये छोटा वाला, ये टेबल स्पून 1.5, ये इसमें हमने लौकी में मसाले डाल लिया है। और इसमें अभी जो हमने बेसन लिया था आधा आधा करके, दो बार में हम इसको डाल लेंगे, मिला लें पहले अच्छे से। और इसमें हम ये सारे मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच पिसा धनिया। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल लेंगे और मैश कर लेंगे अच्छे से, और इसको मार लेंगे जिसे आटे को करते हैं इस तरीके से, हम इसको मार के। और फिर इसकी हम बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए गोल गोल बॉल्स बनाकर हम इसको रख लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से गोल बॉल्स बना के मैंने रख ली हैं सारी। देखिए और एक दो और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैं सारी बॉल्स बना के इसमें अब तैयार कर लेंगे हम ये, और फिर इधर हम तैयारी करेंगे इनको डीप फ्राई करने के लिए। एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें तेल डाल के गरम कर लेंगे ये, और जब ये गरम हो जाएगा तब इसमें हम इस बॉल्स को डाल देंगे। इस तरीके से डीप फ्राई करेंगे, हाई मीडियम आंच पर ही इन्हें करेंगे, कि लो मीडियम से रखने से ये हमारी टाइट हो जाएंगे, और बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए अच्छे से अंदर से ये सिक जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऑयल इनके ऊपर डाल दें थोड़ा थोड़ा, फिर इनको चला के अच्छे से ये देखिए कलर चेंज होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लें। ये हम अगर मसाले में भी नहीं करेंगे और ऐसे ही खाएंगे तब भी इनकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। इसी तरीके से सारे हम डीप फ्राई करते जाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से सेक करें ना। ये देखिए हो गया कलर बिल्कुल चेंज हो गया इनका, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, उतने ही खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है लौकी के कोफ्ते। इन्हें हम ऐसे ही खा सकते हैं या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने और थोड़े से सेक कर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए हो गया कलर चेंज सबका। इस तरीके से ये सारे हम धीरे धीरे सारे बॉल्स को सेक कर हम निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए जाली में मैंने निकाला है, जिससे कि इसका ये इतना ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सब कढ़ाई में ही निचड़ जाएगा। ये हम अलग निकाल के सारे रख लेंगे। हमारे बॉल सब तैयार हो गए। अब मैंने इसमें थोड़ा सा तेल जो रह गया था उसमें मैंने जो मसाला पीसा था वो इसको भूनने के लिए हम डाल देंगे इस मसाले को। थोड़ा सा पानी मैंने इसके पॉट को धोकर इसमें डाल दिया है, थोड़ा इसको अच्छे से चलाकर हम भून लेंगे मसाले को। इसी तरीके से इसको, और हमने इसके लिए 1/2 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक और पिसा धनिया 2 चम्मच ये लिया है मैंने। ये भी मसाले में हम उसमें जो मसाला प्याज लहसुन भुनना था हमारा उसमें इसको डाल देंगे, और फिर इनको भी अच्छे से चलाकर मसाले को खूब अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें मसाला की मात्रा ज़्यादा रहती है, और मिर्च नमक तो आप स्वाद अनुसार यूज कर सकते हैं अपने,
देखिए मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है, ऑयल छोड़ने लगेगा। मैंने इसमें ऑयल कम इस्तेमाल किया है, ये देखिए जितना ऑयल है एक्स्ट्रा इसमें वो छोड़ के दिए। देखें थोड़ा सा मैंने ये मसाला एक चमचा और थोड़ा सा निकाल लेंगे, आधा चमचा करीब। ये थोड़ा सा मसाला हम इसको इस तरीके से इतना निकाल लेंगे, इसका इस्तेमाल अभी हम बाद में करेंगे। पहले हम देखिए इस मसाले को ये अच्छा सा भुनने के बाद में इस मसाले में हम जितने हमने बॉल्स सेकी थी अभी सब डाल देंगे और इनको फिर हम चलाकर मसाले में अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। इसी तरीके से चलाते जाएंगे, सारे बॉल्स मसाले में मिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से इसको 3 मिनट से 4 मिनट के लगभग इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमने सूखे वाले हमारे तैयार हो चुके हैं कोफ्ते, ये देखिए बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में कोफ्ते। ये तैयार हो चुके हैं हमारे कोफ्ते सूखे वाले। अब इन्हीं में हम रसे के कोफ्ते तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने जो मसाला निकाला था वो डाल के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने 1 कप, और इसमें ये सारे कोफ्ते डालकर हम खौला लेंगे अच्छे से। ये भी 3 से 4 मिनट के लिए इसको खौलाएंगे और इनको हमने ये निकाल लिया है। ये देखिए ये हमारे रसे के कोफ्ते तैयार हैं। इसी तरीके से हम दोनों कोफ्ते बनाकर अच्छे से इसके साथ चावल या रोटी खा लें या रूखे भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। थैंक यू मेरा पूरा।